हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IS60 में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स आज हम इसमें कवर करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चाहे आप बिगनर हो इसमें UPSC प्रीलिम्स में, या फिर आपने 2023 का अटेम्प्ट दिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट वॉच दिस वीडियो। सो वो लोग जिन्होंने 2023 का पेपर पहली बार दिया था, या फिर कई सारे अटेम्प्ट दे चुके हैं, 2 दे दिए, 3 दे दिए, सभी के बारे में है ये वीडियो, तो स्किप मत करिएगा। अब बात करें जिन्होंने ये 2023 का प्रीलिम्स दिया था और जिनका नहीं हो पाया, तो आपको मॉडल डाउन नहीं करना है। बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अजीब आए थे, CSET गलत आया था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था, मैथ्स के क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आए थे, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं उसमें जिसको आप अगर करोगे तो आप ज़रूर से ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं कोई टीचर हूँ या फिर कुछ और है, नहीं, 2023 की प्रिपरेशन मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके की थी, और मैं भी आप ही लोगों की तरह जो प्रीलिम्स 2023 में मार्क्स नहीं ला पाए इतने कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। तो बात करते हैं मेंस की प्रिपरेशन की। देखो, चाहे आपका 23 का प्रीलिम्स निकला हो या नहीं निकला, आपको मेंस की प्रिपरेशन तो रोकनी है नहीं, और मुझे ये भी पता है कि मैंने ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट कर दिया है। बहुत से लोग जो सच में सीरियस होंगे 2024 के लिए, उन्होंने अभी मेंस की प्रिपरेशन तैयार स्टार्ट कर भी दी होगी, लेकिन फिर भी वो लोग जो अभी बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं एग्ज़ाम को लेकर कि 24 में, अभी 23 में ऐसा हुआ तो 24 में क्या होगा क्या नहीं होगा, उन्हीं के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो हमें मेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है। अगर आपको 2024 की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको ये मेंस की प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर देनी है। अगर आपने नहीं किए स्टार्ट, तो अभी भी टाइम है, आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से नहीं करें, तो उसमें भी ये ऑप्शनल, इसको ख़त्म करिए सबसे पहले, पकड़ के इसको ऐसे ख़त्म करना है कि पहले तो ऑप्शनल जो भी है आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, PSIR, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, जो भी है, मैथमेटिक्स, जो भी है, पहले उसे पढ़िए, और पढ़ने के जस्ट बाद हमें नोट्स नहीं बनाने हैं, हमें नोट्स कब बनाने, इसके बाद जब हम एक बार रीड कर लेंगे इसे, एक बार जब हमें रीड करना है, रीड करने के बाद हमें क्या करना है, जब आप रीड कर लोगे तो जितने भी PYQ हैं, PYQ आप लेके चलो, हर टॉपिक के टॉपिक वाइज PYQ सर्च कर लेना, गूगल पे मिल जाएंगे, या फिर आपके पास कोई बुक होगी अलग से आपके ऑप्शनल की जिसमें PYQ टॉपिक वाइज दे रखेंगे, वहाँ आपको मिल जाएंगे। वरना नहीं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको गूगल पे सारे PYQs मिल जाएंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन ढूंढने में आपको थोड़ी ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी, शायद मिले या नहीं मिले, लेकिन आपको PYQ क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे। उसके बाद PYQ आपको सॉल्व करने बैठ के, इससे अच्छा ये होगा कि आपको जो आपका ऑप्शनल है उसके PYQ की जो बुक आती है जिसमें सॉल्व PYQ होते हैं, वो आप ले आएँ और एक एक PYQ आप रीड करें पहले, ऑप्शनल का अपना समरी जो भी है आपके पास, बुक्स पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं किसी टीचर के, जो भी पढ़ना है वो पढ़िए। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑप्शनल के PYQ लगाने, और PYQ लगाने के बाद हमें बनाने शॉर्ट नोट्स। तो याद रखिएगा, हमें पहले रीड करना है, एक सेकेंड,
तो हमें सबसे पहले जो भी आपका ऑप्शनल है उसे रीड करना है, ठीक है, रीड करना है। उसके बाद पी वाई क्यू सोल्व करने हैं और उसके बाद बनाने हैं नोट्स, ठीक है, हमें ऐसे चलना है। और ऑप्शनल के साथ ही हमें ये GS4, जैसा कि आपको पता होगा GS4 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है UPSC के मेंस में, बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसे बहुत ही कम टाइम में हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसे आप ऑप्शनल के साथ साथ ही प्रिपेयर कर सकते हो, इसके लिए कोई अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ नहीं है इतना ख़ास याद करने के लिए, इसलिए इसे आपको कोई ज़्यादा ही टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। एक महीना भी अगर इसे आप सही से पढ़ लोगे तो एक महीने में, एक या डेढ़ महीने में आराम से कवर हो जाएगा। बाकी ऑप्शनल को आपको अच्छा सा टाइम देना है, अभी है टाइम तो देना है, क्योंकि ऑप्शनल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके UPSC सिलेक्शन में, कि आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी नहीं आएगी, उसमें ऑप्शनल बहुत ही ज़्यादा अपना रोल, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इसमें आगे क्या है, वेट ए सेकंड, तो बात करें अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आपके पास कितना टाइम है, आपके पास सिर्फ 4 से 5 महीने बाकी हैं, जिसमें आपको ऑप्शनल, GS और करंट तो है ही, करंट हमें अभी से पढ़ता हुआ चलना है। फिर ऐसा मत सोचना कि जब प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तब देख लेंगे करंट, फिर ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, फिर ये नहीं होता। फिर हम कोई मैराथन वीडियोस देखने के पीछे भागते हैं, है ना, या फिर कभी PTE आएगी तो पढ़ेंगे, है ना, कि विजन वाले अपनी PTE 365 निकालेंगे तो पढ़ेंगे, तो ये छूट ही जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे, चाहे प्रीलिम्स की बात कर लो चाहे मेंस की बात कर लो, ये हर जगह इम्पोर्टेंट ही है। तो करंट है जो, इसे हमें नहीं भूलना है बिल्कुल भी, सीधी बात ये है, करंट हमें स्टार्टिंग से लेके चलना है। कुछ आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, या फिर आप कोई डेली वीडियोज जो एनालिसिस कराते हैं यूट्यूब पर, जैसे कि ओनली IAS वाले प्रीलिम्स बूस्टर चलाते हैं, और इन्हीं का एक एडिटोरियल सेशन होता है जिसे सुमित सर लेते हैं, वो आप ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, कुछ भी आप इनमें से चूज कर लो, जो आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। तो आपके पास सिर्फ 4 से 5 महीने बचे हैं, तो इसका याद ध्यान रखें कि 4-5 महीने में ही आपको मेंस की जितनी भी प्रिपरेशन करनी है वो कर लेनी है, क्योंकि प्रीलिम्स जब एक बार क्लियर हो जाता है उसके बाद इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर लें, हम नोट्स भी बना लें, हम पढ़ भी लें, इतना नहीं होता, वहाँ सिर्फ रिवीजन होता है। तो हम इतना करके चलेंगे यहाँ से कि सिर्फ हमें उस टाइम पर रिवीजन ही करना पड़े। और कभी ये मत सोचना कि प्रीलिम्स हो जाएगा तो करेंगे, हमेशा इतना कॉन्फिडेंस तो रखो कि प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा, जो होगा फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन हमेशा इतना कॉन्फिडेंस तो रखो दिमाग में कि हाँ प्रीलिम्स तो निकलेगा। और कई बार कॉन्फिडेंस से ही निकल जाता है, जैसे बात करें सी सेट की, ये पूरा पेपर नॉलेज बेस कम चेक करता है, आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा चेक करता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर लोगे, आप मैथ के क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लोगे, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है सी सेट को लेकर, तो ये कभी भी नहीं निकलने वाला, ये बात ध्यान रखना मेरी। तो कॉन्फिडेंस इज अ की, ये हमें कभी भी लूज नहीं करनी है, ठीक है। तो ये बात याद रखो आप। उसके बाद बात करते हैं GS की, बाकी जैसा मैंने आपको GS के बारे में बताया है, ऑप्शनल के बारे में बताया कि ऑप्शनल के नोट्स कैसे बनाने, सेम उसी प्रकार से आपको GS के नोट्स भी बनाने हैं। पहले अपना समरी रीड करो, उसके बाद PYQ लगाओ और उसके बाद नोट्स बनाओ, ये बेस्ट वे है नोट्स बनाने का। वरना क्या करते हैं लोग, पहले पढ़ लिया फिर नोट्स बनाना, पता कैसे लगेगा कि नोट्स में लिखना क्या है क्या नहीं लिखना,
तो वो यहीं से पता लगता है कि पूछा क्या जा रहा है, और अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको सॉल्व या फिर कहूँ उसका आंसर देने के लिए हमें कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अब जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उतनी ही चीज़ हम अपने नोट्स में लिखेंगे, फालतू की चीज़ क्यों लिखेंगे, फालतू की चीज़ क्यों लिखेंगे। तो इसीलिए पहले समरी पढ़ो, बुक से पढ़ो, नोट से पढ़ो, जहाँ से भी आपके जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वहाँ से आप पढ़ो। उसके बाद कहाँ हो PYQ सॉल्व करो। मैं नहीं कहता सारे PYQ सॉल्व करने हैं, लेकिन अच्छे खासे करने हैं, हर एक टॉपिक के करने हैं। सिलेबस उठाओ, सिलेबस के अकॉर्डिंग PYQ सॉल्व करो और उस सिलेबस का उसी के अकॉर्डिंग नोट्स बना लो। और नोट्स भी आप A4 शीट पे बनाओ तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। इससे क्या है कि जैसे GS की बात करें, अगर आपका ऑप्शनल भी ऐसा है जो करंट से, जहाँ करंट से मतलब क्वेश्चंस बनते हैं या फिर लिंकेज है करंट से, तो ये बेस्ट रहता है कि आप A4 शीट में अपने नोट्स बनाओ, जिससे कि आप बाद में कुछ करंट का ऐड कर सकते हो या फिर कुछ स्टेटिक ही ऐड कर सकते हो किसी और बुक से। तो ये ध्यान रखें कि आपको ये कैसे करना है। उसके बाद चलते हैं आगे। आपके शेड्यूल होने चाहिए, डेली शेड्यूल, वीकली और मंथली। अगर और ये आप कैसे बनाओगे, देखो ये मैं नहीं बनाऊंगा, ये बनाओगे आप। मुझे नहीं पता आपका कितना सिलेबस बच रहा है, आपने कितना कवर कर लिया है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देने की ज़रूरत है। ये सेल्फ असेसमेंट की चीज़ है, जो खुद आप खुद को असेस करेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि हमें GS1 को इतना टाइम देना है, 2 को इतना देना है, 3 को इतना देना है और 4 को इतना देना है। ठीक है, तो ये करो, ये कौन करेगा, ये आप करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो शेड्यूल ज़रूर बनाना। शेड्यूल बन जाता है ना एक बार, तो हमें अपनी कमियां याद रहती हैं कि हमने किस सब्जेक्ट को ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम लगाया था और क्यों लगाया था। कि कभी हम पढ़ रहे होते हैं, कभी नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि अभी एक साल है एग्ज़ाम को। मुझे पता है अभी इतना नहीं पढ़ा जाता होगा, इतनी नहीं पढ़ाई होती, लेकिन अगर आप शेड्यूल बना के तैयारी करोगे, पढ़ाई करोगे, तो हाँ थोड़ा मोटिवेशन रहेगा कि शेड्यूल पूरा करना है। लेकिन अगर शेड्यूल ही नहीं होगा तो आप 4 घंटे का 8 घंटे बैठ रहे हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ बैठ के लाइब्रेरी जाओगे और आ जाओगे, लेकिन शेड्यूल होगा तो आप उसे पढ़ोगे। अगर वो शेड्यूल पूरा नहीं होगा तो आपको टेंशन होगी, और टेंशन होगी तो ये अच्छा है आपके लिए। कहते ना कभी कभी टेंशन भी अच्छी होती है। और जैसे कि आपका जो मैक्सिमम इफिशेंसी वाला टाइम है ना, हर एक इंसान का एक ऐसा टाइम होता है एक पूरे दिन के स्लॉट में, एक ऐसा स्लॉट होता है जहाँ उसका माइंड बहुत ही अच्छा काम करता रहता है। उसको जो भी पढ़ता है वो, अगर कोई टफ सब्जेक्ट भी पढ़ रहा है उस टाइम पे, तो उसे अच्छे खासा समझ आ रहा है। तो उस टाइम को असेस करो कि वो टाइम आपका कौन सा है। वो किसी का भी कभी भी हो सकता है। जैसे मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरा है ये 6 से 10 वाला। 6 से 10 इस टाइम पे ये मेरा मैक्सिमम इफिशेंसी वाला टाइम है। तो आपको भी ये अपना ये टाइम ज़रूर पता होगा, और नहीं पता होगा तो थोड़ा सोचिए, मिल जाएगा। अगली बात, नोट्स बनाने, जैसा कि मैंने आपको बताया नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। बिना नोट्स मेंस नहीं निकल सकता, ये याद रखना। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि प्रीलिम्स के बाद में नोट्स नहीं बन सकते, आप नोट्स में चीज़ें ऐड कर सकते हो बस। प्रीलिम्स के बाद रिवीजन होता है, आप टेस्ट लगाते हो, टेस्ट में जो भी चीज़ जो आपको लगता है कि यार ये तो मेरी नोट्स में नहीं है, तो वो चीज़ आप वहाँ ऐड करोगे। एक्सप्लिसिटली नोट्स नहीं बनाए जा सकते वहाँ, कि आप एक्सक्लूसिवली नोट्स ही बनाने बैठे हो, है ना। प्रीलिम्स के बाद नोट्स बनाओगे, नोट्स का मतलब ये नहीं होता, और हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो लिख लिया बस बात ख़त्म, ये नोट्स बन गए, आप इनको पढ़ेंगे मेंस के बाद, ऐसा नहीं होता। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो अभी उनका 3 से 4 बार रिवीजन कर दो, वरना वो नोट्स भी समझ नहीं आएंगे आपको।
क्योंकि जब आप बुक से पढ़ते हो तब तो चीज़ें पूरी लिखी होती हैं, अगर चीज़ें भूल भी गए हैं तो तब भी कंसेप्ट निकल जाते हैं, वहाँ से कनेक्टिविटी बन जाती है। लेकिन जब नोट्स बनाते हैं, नोट्स बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, अब शॉर्ट होते हैं तो दिमाग नहीं सोच पाता उनके बारे में, तो नोट्स का रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने नोट्स का रिवीजन किया तो ही फ़ायदा है, तो ये ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि नोट्स का रिवीजन करना है, है ना, नोट्स का रिवीजन करना है, ये सबसे बड़ी बात। उसके बाद चलते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे सब इग्नोर करते हैं, कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं है, और इसका नाम है हेल्थ। मैंने मोस्टली देखा है लड़कियां बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हैं इसको, और एक्सक्यूज़ मी, साफ़ कर लेते हैं यहाँ से ताकि थोड़ा सा जगह मिल जाए कुछ लिखने के लिए। तो बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ मैंने ये देखा है कि लड़के तो फिर भी हेल्थ पर ध्यान दे लेते हैं, लेकिन लड़कियां होती हैं जो हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा लेस इम्पोर्टेंट समझती हैं, बहुत ही कम इम्पोर्टेंट समझती हैं। तो और मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हेल्थ आपकी, तो आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपको बार बार बीमार होने की आदत है तो आप एक अच्छा ब्रेकफास्ट कीजिए सुबह सुबह। आधी बीमारियां तो यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं जब बच्चे बिना कुछ खाए पिए लाइब्रेरी चले जाते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, चाहे आपको भूख है नहीं है, कुछ ना कुछ खा के तभी बैठो पढ़ने। मैं सच बता रहा हूँ, आप अगर भूखे पेट बैठ रहे हो पढ़ने तो ज़रूर आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे तो भूखे पेट पढ़ने में अच्छा लगता है, मुझे फिर समझ नहीं आता ये है वो है, लेकिन इसका आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि मैं भी उनमें से ही हूँ जो सोचता है कि सुबह सुबह कौन खाए, पहले पढ़ लेते हैं बाद में खाते हैं कुछ, ऐसा कभी नहीं करना है। मैंने ठोकर खाई है तो आपको बता रहा हूँ, और अगर आप ये बात नहीं सुनोगे तो आप भी ठोकर खाएंगे, तो आप तब सीख जाएंगे। तो किसी ने कहा है कि दूसरों की ठोकर से, दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, तो मेरी गलतियों से सीखो। हेल्थ पर ध्यान देना है, दवा लेनी है। कई लोग ऐसा करते हैं कि बीमार हो जाएंगे दवा नहीं लेते हैं, सोचते रहते हैं कि बिना दवा के ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं अभी, जैसा हम खाना पीना रहता है हमारा, खाना पीना रहना सहना रहता है, उसमें हम बिना दवा के ठीक नहीं हो सकते, और अगर ठीक भी हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इस टाइम तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम तो टाइफाइड का बहुत ही ज़्यादा खतरा चल रहा है। जैसे दिल्ली में बताऊं, दिल्ली का तो यह है कि यहाँ तो जिसको फीवर हो रहा है उसको टाइफाइड हो ही रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना अपनी हेल्थ की। इसके बाद अगर देखें तो वही है, रीड करो, सॉल्व करो पीवाईक्यू, और नोट्स बनाओ, और कुछ नहीं करना है इन दिनों, सिर्फ यही करना है। अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करनी है तो ये आपको करनी है दिसंबर मिड से या जनवरी से, और ध्यान रखना इस बार सी सेट को बहुत ही ज़्यादा प्राइम पे रखना, ठीक है ना। जिनका सी सेट इस बार नहीं निकला होगा उनको पता है कि सी सेट का कितना इम्पोर्टेंस है अब, और कितना टफ पेपर आता है, है ना। टफ इन द सेंस कि मैथ के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसे क्रैक करना। तो मैं तो कहूँगा इसे दिसंबर से स्टार्ट कर देना, और स्पेसिफिकली अलग से टाइम देना है इसको। हर बार की तरह ये नहीं करना कि बस थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, वीक में बस एक बार देख लिया, ये देख लिया, नहीं नहीं वीक में कम से कम दो दिन इसके होने चाहिए। दो दिन अलग से मत दो, संडे को ऐसा कर लो, संडे को तो स्पेशली दे दो, ठीक है, और बाकी दो दिन ऐसे रख लो वीक में जहाँ इसे दो दो घंटे एक एक घंटे देखोगे, टच में रहना है। मुझे लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन तो सबकी अच्छी होती है, बात रहती है मैथ की,
बात आई थी मैथ की, और आई थिंक अगली वीडियो में मैं सी सेट के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करूँगा, तो वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपको अगर कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी, खुद से सेल्फ करना है नहीं करना कोचिंग का। तो मुझे नहीं लगता सी सेट, मैं बता रहा हूँ, अगर आपका मैथ बैकग्राउंड है तब तो मुझे नहीं लगता आपको मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत आई होगी। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं और सब तो करने भी नहीं होते, आपको पता है ना, 33% लाने होते हैं, सब थोड़ी करने होते हैं, है ना, तो आपको छाटने पड़ते हैं, बस वो छाटे ही नहीं जाते, सेलेक्टिव क्वेश्चंस करने होते हैं और सेलेक्ट करने का टाइम नहीं होता, बात ये है ना। तो अब क्या करेंगे, अब बताओ। अगर मैं मेरा बताऊं तो मैंने 2023 की प्रिपरेशन 2021 में स्टार्ट कर दी थी, 2021 में स्टार्ट कर दी थी, और मैंने सच में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था इसको देने के लिए, ये प्री को देने के लिए। मैंने भी कुछ ना बहुत सी गलतियाँ की हैं जो मुझे अब समझ आ रही हैं, लेकिन जो मैंने हार्डवर्क किया था वो इस बार तो काम आया नहीं, लेकिन ज़रूर काम आएगा। अगर आपने हार्डवर्क किया था 2023 में, तो ऐसा मत सोचना कि यार इतना सारा पढ़ा तब भी है ना क्वालिफाई नहीं हुए हम पीटी में, तो आप उसकी टेंशन छोड़ दो, है ना। गॉड के पास हर आपके हार्डवर्क की एक डायरी है जहां वो आपका हार्डवर्क लिख रहा है, तो आज ना कल आप प्रीलिम्स ज़रूर निकालोगे, मेंस भी निकलेगा आपका, इंटरव्यू भी निकलेगा, बस कॉन्फिडेंस रखो खुद पर। लेकिन इस बार का जो ये अटेम्प्ट है आपका 2024 का, ये आपको ऐसे देना है, कैसे देना है कि ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट होगा, इस ये स्टेटमेंट देखो, इट दिस विल बी योर फाइनल अटेम्प्ट। अब देखो आप चाहे कितने ही अटेम्प्ट देते जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, उससे कोई वो थोड़ी होता है, लेकिन आप 2024 का अटेम्प्ट ऐसे देंगे कि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट हो। आपने भाग मिल्खा भाग देखी है, उसमें मिल्खा जी से एक आदमी कहता है कि देख लेना कहीं ये आपके करियर की आखिरी रेस ना हो जाए, है ना, कुछ ऐसा ही कहता है। तो उसमें मिल्खा जी बोलते हैं कि भागूंगा भी ऐसे ही, है ना। तो बात ये होती है कि अगर ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा तो इसे देना भी ऐसे ही कि ये आपका लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है। अगर आपने सोच के रखा कि 3-4 अटेम्प्ट दूंगा इसका, तो जो 3-4 अटेम्प्ट की जो एनर्जी है ना, इसी अटेम्प्ट में लगा देनी है, है ना। ज़्यादा हमें ईयर्स नहीं ख़राब करनी इस एग्ज़ाम में, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती देखी है मैंने इसमें। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट ज़रूर अभी की है, लेकिन मैं ऐसे लोगों के बीच रहता हूँ या फिर रहता आया हूँ कॉलेज के दिनों से ही, जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और मैंने सच में देखा है लोगों को रोते, है ना, अपना फ्यूचर खोते, ये सोचते कि अब क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है और ना ही ऐसा बनना है। तो जितने भी आपको सोच रखा है कि इतने अटेम्प्ट देने हैं, उन सब की एनर्जी इकट्ठी करो और 24 के अटेम्प्ट में लगा दो सब, इधर उधर का कुछ नहीं सोचना है आपको। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना कि दिस विल बी माई फाइनल अटेम्प्ट, तो मैं समझ लूँगा कि आप इसमें आपके जितने भी आने वाले अटेम्प्ट हैं उनकी एनर्जी इसमें लगाने वाले हैं। तो मैं वीडियो रात में बना रहा हूँ, तो गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू एंड बेस्ट ऑफ लक।